अम्मी तुमसे अच्छे बाल है इनके काटेंगे तो नहीं कान के छेद कर दे ओ भाई साहब अरे ये बनाते हैं आज बिना भाई को एक्टर बना के जाएंगे हम यहाँ से कहाँ चले भाई कैब वाला आ गया कैब खड़ी है बाहर जल्दी एयरपोर्ट चल रहे हैं एयरपोर्ट एरोप्लेन में जा रहे हैं क्या आज हम तो यार बड़ा अच्छा लगा है जब एरोप्लेन में जा मैं सच में भाई तो मैं तो ये कहूँगा तुम अगर चाहते हो कि हम जाते रह गए तो भाई देखो ऐसा है हमारे हक में दुआ करो भाई भाई दुआ ही नसीब बदल सकती है दुआओं की दरखास्त है तुम्हें पता है मैं चौधरी बनी क्यों कहता हूँ तुम्हें पता है जी नहीं बनी तुझे पता है मैं चौधरी बनी क्यों कहता हूँ हाँ बताऊं देखो वो जा रहे चौधरी साहब कितनी दूर है ए 2x जूम ये 5x ये देखो अब भी ये इतना है वह कैप करी ही यार अच्छा वह बोरी भाई कैप बोरी 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 हमें लगा वह कैप करी हमें लगा वो आगा भाई आगे ही बैठता है देख बड़े तो आगे बैठते हैं बनी भाई हमारे कैब वाले भैया ने कहा है क्या कहा दोबारा कहना भाई ये काशिफ भाई बहुत ज्यादा काशिफ भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत अच्छी बढ़िया कॉमेडी करते हैं काशिफ भाई काशिफ आज तेरी बदौलत ही हमारा फेर फ्री हो जाएगा बिल्कुल अन्नी हमें पैसे देने पड़ते आज है ना भाई थैंक यू यार चल तेरे फैन निकल गए अच्छा हुआ काशिफ बैग रहा भाई कैसा बैग लाए पिंक कलर का बारबी डॉल है बारबी डॉल अभी दिखाऊंगा जब ये लेके जाएंगे ना जब देखो क्या पता है ना कहाँ देखी चीज़ है सिखा रहा हूँ नहीं देखनी ऐसी अब देखने को मिलेंगी चीज़ें कुछ तुम सिखा रहे हो कुछ मैं सिखा रहा हूँ इसे मतलब कहाँ देखी इनका बेचारा ना इनका बैग किस में मिल रहा है अगर इन्हें बारबी डॉल कमेंट करना है बैग दिखा दिया बैग बैग नहीं दिखाया बैग दिखा देंगे उतर के दिखा एयरपोर्ट पे दिखाएंगे बैग कश्मीरी गेट बस अड्डा जी गिरार जी कुछ कहना चाह रहे हैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे वैसे यात्री परेशान हो रहे हैं एयरप्लेन वाले असल में हुआ क्या हमारे साथ सीन ये हुआ हमारी फ्लाइट कर्नाटक की थी बेंगलोर की सॉरी लेकिन अब काशिफ हमारे साथ बस वाला बैठ गया एक बंदा तो ये पहले हमारी फ्लाइट दो जगह जाएगी पहले बस अड्डे आएगी इसको छोड़ेंगे बस वाले को बस से जाएगा उसके बाद हम बेंगलोर के लिए उड़ेंगे अरे बैग तो बता दे कौन से को कह रहा था दिखाना कह रहा है भाई क्या पता सही से तो दिखाओ वीआईपी बैग है गरीब ही है इधर को नहीं पता तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा ये क्या कह रहा है ये गरीब का बैग देखो तुम ये लिया है पता नहीं कहां से कूड़े खत्ते में उठा के सही अच्छा है ओहो चली बात की लगा चुकी बहुत तगड़ा रोला है काशिफ भाई का यार तुम्हें नहीं पूछ रहा कोई मैं ये नोटिस कर रहा हूं एयरपोर्ट पर यार कोई पूछ नहीं रहा चिल्ला दो एक बार अपने सब्सक्राइबर हम पीछे बिठाए हैं अच्छा और तीन अलग है तीन पीछे तीन आगे देख लो भैया आपके राज में ऐसे हो रहा है यार वेरी बैड थिंग यार और ये बनी भाई के फैन मिलते हुए बनी भाई को भाई बनी भाई हर जगह फैन मिल जाते हैं आपको यार है आप लोगों एक और लो बनी भाई लाइव पकड़ा मैंने बिल्कुल लाइव फैन पकड़े हेलो सर हेलो कैसे हैं आप अरे सर बढ़िया आपको देख के तो और बढ़िया हो गए अरे थैंक यू सर सबकी तो इकोनॉमी है बनी तेरी क्या है बिजनेस क्लास तू पानी फेंकेगा वहाँ पर पानी का बिजनेस करेगा तू प्लेन बोतल ओ भाई कितना मस्त लग रहा है प्लेन चले बैठ ले चलो कभी कभी जब किस्मत अच्छी हो तो विंडो सीट मिलती है इंडिगो की फ्लाइट में अपने साथ पंखा जरूर लाए एसी काम नहीं करता इसका सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे क्या एसी नॉट वर्किंग आधे घंटे से बैठे हैं इंडिगो इंडिगो की फ्लाइट है मॉर्निंग आवर्स की फ्लाइट है 9:30 बजे की टू हॉट वेरी हॉट घर से पंखा लेकर आए चाय का जवाब नहीं भैया चाय का जवाब ही नहीं वाकई में जहरीली बिल्कुल इतनी बुरी चाय मैंने चाय की सुन तो लो
नहीं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, क्यों करी यस, मैंने कहा कहाँ फेंकनी है इसे। ये ले लो ये वाला, बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट है पीछे भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मेरे साइज की टी शर्ट है आपके पास? बताइए प्लीज। हंसी बता रही है भाई। बैंगलोर उतरने के बाद यहाँ से मैसूर के लिए हम जा रहे हैं बाइक कार। और भैया हमें पहुंचने में कितनी देर लगेगी अभी? 3 hours. भाई 3 घंटे। अभी 3 घंटे का सफर करने के बाद रुके हैं हम चाय पीने। दिखाता हूँ मैं चाय के साथ यहाँ पर क्या लिया है। एक ये क्या बता रहे थे? गुल पसंद। ये अच्छा है। और ये क्या है? पता नहीं क्या लाए हो। बड़ी मट्टी, छोटी मट्टी। और अभी अभी एक गाड़ी पीछे है अपनी, 20 किलोमीटर पीछे है। पहुंच गए भैया फाइनली हैं। कितने घंटे बाद पहुंचे हम? हमें लगे हैं 13 घंटे का सफर। हाँ टोटल 13 घंटे का सफर। और भाई बत्तख बन गई 13 घंटे के सफर में। ना तो तुम सोए ना मैं सोया, इकरार भाई भी सो गए, आमिर भाई भी नहीं सोए ज्यादा देर। तो हम ही सोएंगे पहले। पहले हम ही सोएंगे भाई। तो 13 घंटे का सफर करके आ रहा और तुम जिम करने की कह रहे हो? अब भी इतनी डेडिकेशन मत दिखाओ, अन्नी बकरी बन जाएगी तुम्हारी। अरे इकरार भाई बॉडी दिखा दो, खाना खाना। तो भाई अब हम जा रहे हैं खाना खाने। टाइम कितना हो रहा है आमिर भाई? टाइम हो रहा है भाई 7:30। 7:30 पूरे एकदम 7:30 बजे आज खाना खा लेंगे और अपना 9 बजे तक सो जाएंगे भाई मस्त। सुबह को उठ के शूट। तो सुबह उठोगे? ये देखो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, रात बहुत अच्छी थी और अब है हमारा शूट। और शूट के लिए हम निकल रहे हैं बिना नाश्ता पानी करे, तो काम की चिंता ज़्यादा है ना दरअसल हमें है भी। लेकिन रूम्स बहुत बढ़िया है यहाँ के। देखो ये देखो, ये मेरा आगे उसका सब ऐसे मतलब मस्त लाइफ। कोई काम काम धाम है भाई। काशिप भाई कहाँ हो यार? मैं तो रात 12:30 बजे उठ गया। मैं सोच रहा सुबह हो गई, आमिर भाई को तुम्हें आशीष भैया को सबको कॉल कर दी। आमिर भाई ने बताया भी तो रात, इसे लगा रात 12 बजे का दिल निकल गया। भाई ये क्या बवाल है? अरे टर्की है ये, टर्की। अच्छा ये यूएस कनाडा में क्या कहते हैं टर्की खाई जाती है स्पेशल। यहाँ भी खाते हैं? नहीं नहीं स्पेशल। आओ कभी शादियों में है? ओ दिल छोटा क्यों कर रहे हो, फिराई देंगे तुम्हें। इकरार भाई ये है क्या नाश्ता? ये है नाश्ता, ये है नाश्ता, ये है नाश्ता। का शूट निपटा लो आज जल्दी, लग लगा कोई दिक्कत नहीं, आज देर से लग जाएगी, मैं अपने करा दूंगा आपकी, वो टाइम नहीं मिला। ये कैसे कैसे जंगलात में जा रहे हैं हम? रुचि द प्रिंस रात को। तो आ गए हम जंगलों में, लेकिन यहाँ का यार व्यू बहुत अच्छा है, शानदार व्यू। ये देखो पीछे झील। नॉर्मल डीलर। क्या कहा आपने अभी? क्या छपरियों से कपड़े पहनते? ये देख क्या जेन्युइन बंदा लग रहा है, लग रहा है कासिम सच में ऐसे पहना कर। वाकई कासिम बहुत बढ़िया लग रहा है। वीडियो में ऐसे नहीं बनाते हैं। आज बिना भाई को एक्टर बना के जाएंगे हम यहाँ से। इन सब जड़ी बूटियों से हम लोग इस्तेमाल करके तेल बनाते हैं सर। सर हटाओ। सर हटा दूं। ये सही था, आप भी चल के आना इनके साथ। ये बताओ भाई साहब, काशिफ सेक्सी लग रहा है ना गाइस? ये बता दो बस, काशिफ कैसा लग रहा है? काशिफ फुल सेक्सी है। चलो इकरार भाई बताएंगे कैसे लग रहा है? खचरा लग रहा है, खचरा। देख रहे हो क्या बोला काशिफ? क्या बोलना चाहोगे? बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं बोल पा रहा। क्या कहें, बस हो गई, खत्म खत्म। अम्मी तुमसे अच्छे बाल हैं इनके। खरीद के ले चलें? विनय भाई हमारी माँ के बाल बहुत थोड़े थोड़े से हैं, क्या करना, यही करना चाहिए क्या उन्हें भी? यही तेल लगाना चाहिए ना। सुन लो अम्मी, और तुम भी सुन लो सब जो देख रहे हो, लेकिन ये ब्लॉग पे जा रहा है।
कोई नहीं, ब्लॉग पे भी लोग देखेंगे। चलो चलो कर दिया मेरे भाई, कैमरा है देखना ही पड़ता है इस तरह भाई। भाई देखो यहाँ पर हमें एक नई चीज मिली, वुड पिकर बोलते हैं इसको, वुड पिकर, वुड पिकर। ये देखो हेलो काशिप भाई के कंधे पे बैठे। काशिप भाई कैसा फील कर रहे हो आज वुड पिकर के साथ? ओ भाई ये मेरे ऊपर आ गई, काटेगी तो नहीं, कान में छेद कर दे। ओ भाई साहब, अरे अरे बस, नहीं नहीं फोन मत पकड़ो, दिख रहा है। ओ ये मेरा दोस्त बन गया अब, ठीक है मैं इसे दिल्ली लेके जा रहा हूँ वुड पिकर को, ठीक है भाई। ये आपका दोस्त है क्या? ये इनका दोस्त है, क्या नाम है आपका? रमेश, रमेश भाई का दोस्त वुड पिकर, रैम्बो, रैम्बो बुलाने। तो हम इनके मेहमान थे, हेलो कर दो, हम इनके मेहमान थे, हेलो कर दो भैया। तो दोस्तों ये है हमारे विनय भाई और हम यहाँ पर आके मिले हैं, ये एक सेलिब्रिटी फेस है, जानी मानी हस्ती है। वाकई ये बात सच है, जो मैंने आदिवासी का सबसे पहले वीडियो देखा था ना, वो ये फेस देखा था, ऑनलाइन देखा था ना विनय भाई को। दोस्तों शूट से निपटने के बाद अब कर रहे हैं हम लंच, और लंच में हमारी बहुत अच्छी अच्छी आइटम है, ये देखो, वेज नॉन वेज दोनों, वेज नॉन वेज सब है। और हमारे साथ विनय भाई नहीं है यहाँ की, ये आदिवासी जो एक्चुअल में आप लोगों ने सुने हैं, ये उसी घराने से बिलोंग करते हैं रियल में, और काफी अच्छे इंसान है, काफी तजुर्बा इन्होंने हमारे साथ शेयर करा खाने पर, खाना खाते हैं फिर पहले। तो आज है दूसरे दिन और आज हम यहाँ से जा रहे हैं घर अपने, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आए, हमारा यहाँ से जाने का जी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा। बहुत दुख हो रहा है इकरार भाई को, इमोशनल हो रहे हैं, इकरार भाई इमोशनल हो रहे हैं, ये रो रहा था बेटे में, फिर आएंगे यार, फिर आ जाएंगे इकरार भाई, रो मत, ऐसी खिदमत करी आदिवासियों ने, फिर आ जाएंगे इकरार भाई। असल में नानी बना ली आप अपनी नानी, प्रॉपर्टी उनकी बहुत है, तो सोच रहा मिल जाए इससे लारी हुई साल। तो इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को करते हैं हम टाटा और चलते हैं अपनी कैब में एयरपोर्ट के लिए।